एक तरफ तो फार्म पे कई ऐसे गुस्सैल जानवर आते हैं जो यहाँ आके शांत होते हैं, और दूसरी तरफ है देवी जो शुरू से ही जो कहो सुन लेती है, जहाँ ले जाओ चली जाती है, और बिना हील हुज्जत के जो परोसा जाए खा लेती है। आम तौर पे ऐसे गऊ की तरह आज्ञाकारी होना अच्छे पालन पोषण की निशानी मानी जाती है, पर कई बारी ये अच्छा बर्ताव माँ बाप के प्यार की नहीं जिंदगी की मार की निशानी होता है। अब देवी के साथ जो हुआ उससे उसके मन में ऐसा खौफ बैठ गया कि चाहे दूर से लगे कि उसको हैंडल करना आसान है, पर करीब से देखने में पता लगता है कि उसको तो कोई छू भी ले तो वो एकदम से सहम जाती है और आंखें मीच के अपनी पूंछ हिलाना बंद कर देती है। अगर वो किसी के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी भी देख ले तो वो डर से दो कदम पीछे ले लेती है। अब आप मानिए या ना मानिए, ये तो देवी की बेहतर स्थिति है। जब ये आई थी तो इसको देख के तो सलोनी का रोना ही निकल गया था। एक इंसान ने जिसको इंसान कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, देवी को दराज से तब तक मारा जब तक उसको यकीन नहीं हो गया कि देवी मर गई है। जब ये करके भी उसका मन नहीं भरा तो उसने देवी के दो बच्चों को भी वहीं मार दिया। चार या पांच दिन तक देवी बिना खाने बिना पानी के उसी जगह बेहोश पड़ी रही। जब उसे होश आया तो वो अधमरी हालत में उसी जगह पहुंची जहां पे लोग उसको और उसके बच्चों को खाना डाला करते थे। वहां पे जब किसी की नजर उस पे पड़ी तो उन्होंने हमें कॉल किया। देवी जब फार्म पे पहुंची तो वो पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। उसके सर पे जहां दराज से मारा गया था वहां पे छेद हो चुके थे, और तो और उसकी एक आंख घटना स्थल पे ही निकल के गिर गई थी। आज उसे फार्म पे आए 4 महीने हो गए हैं। यहां पे जो उसे उपचार मिला उससे उसके एक एक करके बाहर के घाव भर गए। उसका वजन भी अब बढ़ गया है, तो बचा बस उसका डर जो उसके अंदर बस गया है। कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं जिससे हमें लगता नहीं कि हम बाहर निकल पाएंगे, और उस समय को आसान बनाने के लिए हम अपने आप को याद दिला सकते हैं कि कभी हम इससे भी बदतर हालात में थे और तब भी हमें यही लगा था कि ये समय निकलेगा नहीं। तो अगर वो समय कट गया तो ये समय भी कट ही जाएगा।